हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी गांव में शुरू करेंगे ये पांच बिजनेस, होगी लाखों में इनकम। इसको बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल श्यामा टिप्स को सब्सक्राइब करें। ग्रामीण भागों से लगातार लोग शहरों की ओर रोजगार के लिए निकल रहे हैं, वहीं कई ऐसे लोग हैं जो अब गांव की राह पकड़ रहे हैं। ये लोग गांव में बिजनेस शुरू करके हर महीने लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। अगर आप भी इन लोगों की तरह गांव में रहकर अच्छी इनकम हासिल करना चाहते हैं तो कुछ खास बिजनेस हैं जो आपको लाखों का फ़ायदा दिला सकते हैं। कम लागत में ज़्यादा कमाई वाले ये बिजनेस काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। थोड़ा मार्केटिंग रिसर्च और लोकल सपोर्ट के साथ आप इन बिजनेस के जरिए कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। इन बिजनेस से आपकी कमाई शहर में आपकी 50 से 60 हजार की सैलरी से भी काफ़ी ज़्यादा होगी। पहला जो बिजनेस है डेयरी उद्योग, कमाई जो इसमें होगी 2 लाख रुपए। डेयरी उद्योग से जुड़े हरि ओम नोटियाल ने बताया कि यह उद्योग 5 से 10 गाय व भैंस के साथ शुरू किया जा सकता है। अगर आप बड़े स्तर पर यह बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सरकार व गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। इन्होंने हासिल की सफलता, उत्तराखण्ड के हरि ओम नोटियाल ने इंजीनियर छोड़कर अपने गांव में डेयरी उद्योग शुरू किया। अब वह डेयरी से निकलकर मुर्गी पालन समेत अन्य चीजों को करने में भी जुट गए हैं। दूसरा जो बिजनेस है बकरी पालन, इसमें जो कमाई होगी 1.5 लाख तक। गांव में शुरू करने के लिए जो दूसरा बेस्ट बिजनेस है वो है बकरी पालन। ब्रीडिंग, ऊन और बकरियों का दूध बेचकर इनके जरिए अच्छी इनकम हासिल की जा सकती है। इस उद्योग से जुड़ी श्वेता तोमर बताती है कि इसके जरिए उन्हें 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम होती है। वह कहती है कि बकरी पालन सिर्फ गांव में नहीं बल्कि शहर में भी काफी फायदेमंद का बिजनेस साबित होता है। इन्होंने हासिल की सफलता, श्वेता तोमर ने देहरादून के रानी पोखरी गांव में बकरी पालन का बिजनेस शुरू किया है। कभी फैशन डिजाइनिंग से जुड़ी श्वेता अब बकरी पालन कर अच्छी इनकम हासिल कर रही है। तीसरा जो बिजनेस है फूलों की खेती, कमाई है 10 से 12 लाख रुपए तक। इन दिनों जरबेरा की खेती कुछ इसी तरह से लोगों की अच्छी इनकम का सोर्स बन रही है। इसके लिए सरकार अच्छी खासी सब्सिडी भी दे रही है। अगर आपके पास भी केवल आधा एकड़ जमीन है और शुरुआत में 20 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप भी इस जरबेरा की खेती से इनकम कर सकते हैं। सालाना इनकम की बात करें तो इतने इन्वेस्टमेंट से आप आसानी से 10 से 12 लाख रुपए कमा सकते हैं। इन्होंने हासिल किया मुकाम। पंजाब के फ्लावर किंग नाम से मशहूर युवा किसान गुरप्रीत सैरगिल ने इंजीनियर छोड़कर फूलों की खेती शुरू की थी। आज वह इस खेती के बूते ही करोड़पति बन चुके हैं। चौथा जो बिजनेस है खजूर की खेती, कमाई होगी 10 से 20 लाख। राजस्थान के रेगिस्तान में कई किसान अब खजूर की खेती कर लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। खजूर की खेती शुरू करने से पहले आपको थोड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत होगी। आपको देखना होगा कि आपकी ज़मीन इसके लिए लायक है या नहीं। खजूर की खेती के लिए भूमि और जड़ों में नमी होनी चाहिए, वहीं तेज़ धूप भी इसके लिए अहम है। वैज्ञानिकों की मदद से खजूर की खेती अब राजस्थान, गुजरात और देश के अन्य क्षेत्रों में खजूर की खेती को संभव बनाया है। कभी इसरो में वैज्ञानिक के तौर पर शामिल रहे ध्रुवराज गदोरा अब खजूर की खेती कर रहे हैं। इससे उन्हें 10 से 20 लाख रुपए की इनकम होती है। अगला जो बिजनेस है एलोवेरा की खेती, कमाई आप इससे कर सकते हैं 8 से 10 लाख रुपए। अगर आप एलोवेरा का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसे आप महज 50 हजार रुपए से शुरू कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर जमीन पर एलोवेरा की खेती कर आप हर साल 8 से 10 लाख रुपए की इनकम हासिल कर सकते हैं। खेत में एक बार प्लांटेशन करने के बाद आप इससे 3 साल तक इसकी फसल ले सकते हैं। जैसलमेर के हरीश धनदेव ने नगर पालिक में जूनियर इंजीनियर की नौकरी छोड़ एलोवेरा की खेती शुरू की। एलोवेरा की खेती ने ही उन्हें करोड़पति बना दिया है। एग्रीकल्चर में फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती इन दिनों अच्छी इनकम का साधन बन सकती है। अभी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।